पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि हम YouTube चैनल पर एक ब्रांड YouTube चैनल कैसे बनाएं और उस चैनल पर अलग अलग मैनेजर को अलग अलग रोल कैसे दें। ये सबसे अच्छा टॉपिक था जो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो परफेक्टली देखनी है तो आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आपको हमारी पहली वीडियो को देखिए, तभी आपको वीडियो कुछ ज़्यादा समझ आएगी। हमने उसमें बताया था कि आप एक ब्रांड YouTube चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हो YouTube के अकॉर्डिंग। अभी हम बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग पे। वीडियो एडिटिंग के डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर हैं और आपको कौन सा यूज करना चाहिए ये आप जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी फील्ड कौन सी है, आपका टॉपिक क्या है। हर टॉपिक पे हर तरह का सॉफ्टवेयर है और वो आपके काम को बहुत आसान बनाता है। जिस तरह से कि टेक वीडियोज के लिए कैमटेसिया स्टूडियो बनाया गया है, जिससे कि आप आसान तरीके से अपनी टेक वीडियो को बना के उसे डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप यही काम एडोब आफ्टर इफेक्ट या एडोब प्रीमियर प्रो पे करोगे तो लगभग आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा और आप इतनी अच्छी वीडियो नहीं बना पाओगे। तो जो सॉफ्टवेयर जिस काम के लिए बनाया गया है तो उसका इस्तेमाल उसी में किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पे आपको 3 सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो आपको लगभग आपकी हर तरह की वीडियो बनवा सकते हैं, वो है एडोब प्रीमियर प्रो एंड एडोब आफ्टर इफेक्ट। एंड इसके अलावा हमारे पास कुछ आसान से सॉफ्टवेयर हैं, वंडरशेयर का फिल्मोरा एंड कैमटेसिया स्टूडियो, जिनकी मदद से आप इजीली वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। और आप अपनी स्टार्टिंग में अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती है तब भी आप कुछ बेटर वीडियोज बना सकते हो और अपनी वीडियोज को यूट्यूब पर डालना स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके पास आसान सा तरीका है भाई। आपकी वीडियो का टॉपिक क्या है ये मुझे नहीं पता है। अगर आपको कुछ अलग सॉफ्टवेयर के बारे में पूछना हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वंडरशेयर, फिल्मोरा एंड कैमटेसिया स्टूडियो एंड एडोब प्रीमियर प्रो की वीडियो देखनी है तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उन सभी का चेक कर सकते हो। सभी के अवेलेबल लिंक है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उनसे वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो और अपनी वीडियोज को बना सकते हो। वीडियो कैसे अपलोड करते हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, एक और बात, आपको वीडियो एडिटिंग करने के समय यानी कि वीडियो बनाने के समय कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा। ये मेरे कुछ ओपिनियन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूँ समझ लीजिए, बंदे की वीडियो एडिटिंग अच्छी है, अच्छी वीडियो एडिटिंग कर लेता है, जैसे कि मैं भी काफ़ी अच्छी वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, तब भी मेरी वीडियो पर डिसलाइक जाते हैं। क्यों जाते हैं पता है? मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आती है। मेरे को तो बहुत पसंद आती है, क्योंकि बच्चन साहब को अपनी आवाज़ बहुत पसंद थी पर रेडियो वालों ने उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया था क्योंकि तेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। और आज लोग उनके दीवाने कहते हैं, अरे भाई साहब, जो है कि हमारे बच्चा नहीं कर पाने के नाम तो कर गए हमारी आवाज़ से। तो यहाँ पे बोल के जो आवाज़ है वो काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को और मैं भी उनकी मिमिक्री करता हूँ। शायद किसी को वो आवाज़ पसंद नहीं थी पर आज सबको पसंद है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम कुछ हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं तो लोग अपने आप खुद ब खुद हमको पसंद करने लगते हैं। तो मैं अपनी आवाज़ को इग्नोर करता हूँ कि लोग मेरे को पसंद नहीं करते, मैं इस बात को भूल चुका हूँ और अपनी रोज़ आवाज़ सुधारने की कोशिश करता हूँ और जितनी अच्छी हो सके मैं अपनी आवाज़ को सुधारने की कोशिश करता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ हिम्मत करके। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपकी वीडियो में साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपकी वीडियो में लगभग कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लोग आकर्षित होते हैं आपकी आवाज़ से, आपके यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिखते फेस के। यहाँ पे क्या है, आपको वॉइस ऑफ टोन एंड अच्छी वॉइस बनाकर बोलना ही पड़ेगा। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, अगर आपकी अच्छी आवाज़ है तो प्लीज़ अच्छे से बोलिए और अच्छे से बोलिए ताकि लोगों को लगे, उनको फ्रेंडली रिस्पॉन्स मिले तो वो आपकी वीडियो को ज़्यादा लाइक करेंगे। आप तो यूँ मान लीजिए जैसे कि आप एक मूवी देख रहे हो और आपको उसकी आवाज़ समझ नहीं आ रही है, सिर्फ कैरेक्टर दिख रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, तब भी आप उस मूवी को कुछ समझ नहीं पा रहे हो। आप उस मूवी को लगभग 4 से 10 मिनट तक मुश्किल है कि आप देख पाओ, लेकिन आपको एक ऐसी वीडियो दिखाई जा रही है जिसकी आवाज़ आपको समझ आ रही है, आवाज़ में बहुत मज़ा आ रहा है सुनने में, लेकिन क्या है उसकी वीडियो क्वालिटी बेकार है, तब भी आप उस वीडियो को फुल देख पाओगे। ये है आवाज़ की ताकत, ये है आवाज़ की वॉइस क्वालिटी, जिससे आप अपनी वीडियो को और से और इम्प्रूव कर सकते हो। इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं है। अपनी वीडियो के लिए अच्छा माइक लो, अच्छी आवाज़ रिकॉर्डिंग करो, यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन कैसे कर पाते हो। इतना अच्छा अपनी ब्रांडिंग है, लोगों पर ध्यान मत दो। मैंने कई लोगों को देखा है, वो अपने लोगों को बनाने में लगे रहते हैं, मेन्यू तक लोगों को बना पाते हैं और फिर उसे अपने वीडियो में इंक्लूड करते हैं। इससे अच्छा है कि आप अपनी वीडियो पर फोकस करो, हो सके तो जितनी अच्छी वीडियो बनाओ वो उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आई एम श्योर कि आप जितनी अच्छी वीडियो बनाओगे उतनी ही अच्छी आपको रैंक मिलेगी और उतनी अच्छी आप पॉपुलर हो जाओगे।
थंबनेल से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका कंटेंट क्या है इससे बहुत फर्क पड़ता है भाई।